अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मटन की यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ। 1 किलो मैंने मटन ले लिया था और नमक ले लिया था 1.5 चम्मच, और चम्मच मैंने सुरख मिर्च ले लिए थे, हल्दी आधा चम्मच ले लिया था, ब्लैक पेपर आधा चम्मच, और गरम मसाला आधा चम्मच, और आधा चम्मच मिसारी गरम मसाला और घर का गरम मसाला, अदरक ले लिया था 1.5 चम्मच, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया था, और 1 टमाटर और 2 प्याज लिए थे, और धनिया काट लिया था। ठीक है, अब हम चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, हमने कुकर ले लिया है, कुकर में आप मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल दूँगी मटन अपना, बहुत ही मज़ेदार सिंपल जो बनता है मज़े का सालन, हर घर में डिफरेंट होगा तरीका या ऐसा ही होगा। और इसमें मैं टमाटर और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, और प्याज भी ऐड कर दूँगी, 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ की, अगर बड़े साइज़ का हो तो आप 1 ले सकते हैं। अब मैंने ये ले लिए हैं, 2 चम्मच लिए थे, यानी 2 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च का लिया, 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, 1/2 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया, और गरम मसाला मैंने 1/2 टेबल स्पून बाजारी नेशनल का गरम मसाला लिया, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली, और 1/2 टेबल स्पून ही घर का बना हुआ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप सो आपको इंग्रेडिएंट्स का पता चल गया होगा। और अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि ये अच्छे तरीके से मटन गल जाए। जो लोग कुकर नहीं इस्तेमाल करते या बहुत से लोग कुकर से डरते हैं या हंडिया पर चढ़ा कर रखना चाहते हैं, तो वो हंडिया पर भी इसी तरह सब चीज़ें डालकर मिक्स रख सकते हैं हंडिया पे। ठीक है, मगर उसमें ज़रा इसमें कुकर का ये फ़ायदा होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, जल्दी पक जाता है। अब इसमें मैं भूनूंगी, इसकी भुनाई करूँगी अच्छे तरीके से। इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है, और बहुत ही मज़े का बना था यार, माशाल्लाह क्या बात है मदिया तेरी, तेरे हाथों में तो कसम से अल्लाह ताला ने, क्या तारीफ़ करूँ, बस बहुत ज़्यादा हो गया। आप चल वापस आते हैं। और मैंने अब इसमें इतना पानी ऐड किया, इतना शोरबा जितना कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसे ड्राई नहीं रखना। ठीक है, देखिए फाइनल लुक, यम्मी देगी शोरबा, मटन शोरबा की रेसिपी रेडी है, और गरम गरम रोटियां उतर रही हैं, अम्मा जानी पका रही हैं, और अब हम इसे खाएंगे बहुत मज़े से। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे तो दुआ में याद रखिए, और बहुत सारी दुआएं दिया कीजिए मुझे, और अच्छा लगे मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को 4 मिनट तो प्लीज़ वॉच किया कीजिए अपने थोड़े से बिज़ी से। मुझे पता है कि लाइफ इतनी बिज़ी है, लोग जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी के झट से कुछ सीखने को मज़े का मिले, मज़े का देखने को मिले हमें, और कहते हैं जल्दी से हमारा टाइम बच जाए और हम जल्दी से चले जाएं। आई नो, आई अंडरस्टैंड, मैं मुझे इस चीज़ का मुझे पता है कि बहुत बिज़ी वक़्त है, पर 4 मिनट प्लीज़ देख लिया कीजिए, प्यार से मोहब्बत से कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर कर लिया कीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, थैंक यू सो मच। और ये मेरी प्लेट है, और इसमें मैंने 2 बोटियाँ डाली थी और थोड़ा सा शोरबा डाला था। ठीक है, और फिर मैंने इंजॉय करके सिखाया था, और फिर मैंने आपको भी दिखाया था, आपके साथ शेयर भी की थी, और ये फाइनल पिक्स ली थी जो मैंने। और आई होप सो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी और इंजॉय की होगी, तो दुआ दीजिएगा मुझे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़िमल्ला।